हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम देख सकते हैं कोलकाता स्टेशन में और जा रहे हैं हम न्यू जलपाईगुड़ी। 2024 आ चुका है, न्यू ईयर आ चुका है, तो न्यू जर्नी भी स्टार्ट होना जरूरी है। तो हम निकल चुके हैं नॉर्थ सिक्किम घूमने के लिए और इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि नॉर्थ सिक्किम का पूरा सीरीज आने वाला है कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है, क्या बजट लगेगा और क्या प्राइस लगने वाला है। पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और पूरा सीरीज को देखिएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, तो प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर। कोलकाता स्टेशन से हमारा ट्रेन है 9:05 में, तो अभी 9:05 नहीं हुआ है, मतलब 7:30 अभी बज रहा है, तो अभी काफी ज्यादा टाइम है। और लोकेशन देख सकते हैं, क्या ही गजब का लोकेशन है। यहाँ पे सनराइज हो चुका है और इधर का ठंड तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन शायद सिक्किम में बहुत ज्यादा ठंड हो सकता है, तो तैयारी के साथ ही जाना पड़ेगा। ऐसे अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी जाना चाहते हैं तो आप सियालदह से भी ट्रेन रहता है जो कि रात को रहता है, शाम को मतलब 7-8 बजे तक रहता है वो ट्रेन, लेकिन बेस्ट होता है क्योंकि वो शाम का टाइम में रहता है और आप सुबह सुबह को न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच जाएंगे। और वहां से आप दार्जिलिंग भी जाना चाहते हैं वहां से जा सकते हैं, या गैंगटॉक सिक्किम भी जाना चाहते हैं वहां से जा सकते हैं, लेकिन हमको ट्रेन का टिकट ही नहीं मिला तो उसके लिए मजबूरी में हमको कोलकाता स्टेशन का लेना पड़ा क्योंकि यहाँ का अवेलेबल टिकट था, तो यही का लास्ट ऑप्शन था और कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो इसलिए यहाँ से ले रहे। लेकिन कोई नहीं, यहाँ से 9:05 में ट्रेन खुलेगी और पहुंच जाएंगे, तो शाम को पहुंच जाएंगे 6-7 बजे तक, तो शाम को तो वहीं रुकना पड़ेगा और उसके बाद दूसरे दिन हम निकलेंगे सिक्किम के लिए, गैंगटॉक नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप के लिए। तुम्हें बोलो, अमी कोच से तुम्हें बोलो। तो फाइनली ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है और ये ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म में आ रही है अभी। और अगर बोलेगा कोलकाता से जलपाईगुड़ी का डिस्टेंस की, तो 570 किलोमीटर इसका टोटल डिस्टेंस होने वाला है, जो कि 10 घंटा में ये कवर करने वाली है ट्रेन। सुबह सुबह के टाइम में जाएगा तो भी अच्छा है क्योंकि बाहर का नज़ारा भी देखने को मिलेगा, अगर रात के समय में जाते तो वो थोड़ा मिस जरूर करते हैं। फाइनली हम लोग का ट्रेन अभी 3 नंबर प्लेटफॉर्म में आ रही है, तो चलिए अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा भीड़ शांत होने देते हैं, ट्रेन को आने देते हैं, उसके बाद चलेंगे ट्रेन के अंदर, आपको दिखाएंगे। हम लोग का ये सेकंड सेटिंग होने वाला है, बैठ के तो जाना पड़ेगा, सोने का कोई चांस नहीं है, लेकिन हाँ सुबह का टाइम है तो इतना मैनेज तो हो ही जाएगा। फाइनली देख सकते हैं ट्रेन आ चुकी है और हम लोग का जो कोच होने वाला है D5 होने वाला है। तो सबसे पहले आपको एसी चेयर कार में लेके जाके दिखाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं एसी चेयर कार है। कंडीशन तो मुझे ज़्यादा पसंद आया नहीं क्योंकि देख सकते हैं पुराना कोच लग रहा देखने में, तब भी ओके है, चल जाएगा काम। हम लोग का सेकंड सीटिंग जो कोच होने वाला है ये होने वाला, 3 जन इस साइड है और 3 जन इस साइड है, तभी तो ट्रेन खुलने में टाइम है, तो बाहर आते हैं। तो फाइनली 9:05 हो चुका है और ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है कोलकाता स्टेशन से, देख सकते हैं अभी जस्ट ट्रेन खुली है। बाय बाय और चलते हैं गैंगटॉक की तरफ। सामने का देख सकते हैं ऐसा कुछ व्यू है, ये पूरा जैसे आपको बताया कि सीटिंग वाला पूरा है ये कोच, यानी कि पूरा ट्रेन ही सीटिंग ही वाला ही है। ये 2S होने वाला, नॉन एसी वाला, और एसी वाला भी तो आपको दिखाई दी एसी चेयर का। और अभी का मौसम की बात बताए तो अभी ज्यादा ठंड तो नहीं है, देख सकते हैं धूप निकल चुका है। इस ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपिज होने वाला है बर्धमान, जो कि कोलकाता स्टेशन से बर्धमान 98 किलोमीटर होने वाला, जो कि लगभग 1.5 घंटा ये ट्रेन लेने वाली है। इससे पहले का स्टॉपेज जो था बर्धमान जंक्शन था, जो कि 2 मिनट का स्टॉपेज था, अभी इसके बाद बोलपुर शांति निकेतन का स्टॉपेज है, लेकिन अभी रुकी हुई है ट्रेन बेदिया में, 2 नंबर प्लेटफॉर्म में रुकी हुई है। बाहर नीचे की तरफ आ गए क्योंकि धूप भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, देख सकते हैं, तो सोचे तो क्यों धूप भी थोड़ा खा लेते हैं। और देख सकते हैं काफ़ी लोग नीचे उतरे हुए हैं। अभी रामपुर हाट पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं रामपुर हाट आते आते ट्रेन पूरी तरह से खाली हो चुका है, बहुत ही कम जन है और आराम से सब सो रहे हैं, देख सकते हैं उस साइड भी सीट खाली है, पीछे के साइड भी सीट खाली है, तो सभी लोग क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, जो जो सीट मिल रहा है वहां पे जाके आराम से सो जा रहा है। फाइनली ट्रेन मालदा टाउन पहुंच चुकी है। पहले तो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट था, कम से कम 15-20 मिनट ट्रेन लेट चल रही थी, लेकिन अभी मालदा टाउन में
बिफोर 15 मिनट्स ये ट्रेन पहुंच चुकी है मालदा टाउन। उम्मीद करते हैं कि टाइम पर ये न्यू जलपाईगुड़ी हम लोग को पहुंचा देगी। एक चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कचरा आप देख सकते हैं, ये सारा कचरा जो है एसी कोच के तरफ से ला के इधर फेंका गया है और इसको यहाँ पे ऐसे ही फेंक दिया गया है, लेकिन इसको नीचे नहीं गिराया गया। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फाइनली वी रीच द डेस्टिनेशन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। तो देख सकते हैं न्यू जलपाईगुड़ी पहुँच चुके हैं और अभी का टाइम हो रहा है 6:59 हो रहा है, यानी कि 4 मिनट लेट हुआ है लेकिन टाइम पर पहुँचा दिया है। जैसे देखने में लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लेट करेगा, 1 घंटा आधा घंटा, लेकिन वैसा नहीं हुआ, टाइम पे पहुंचा दिया, ये ठीक है। लेकिन ठंड यहाँ का थोड़ा ज़्यादा है, फील हो रहा है ठंड। तो अभी जा रहे हैं, रहने का जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि आज तो हम लोग गैंगटॉक नहीं जा रहे हैं, रात को यहीं रहना पड़ेगा। तो रहने का जुगाड़ करने के लिए चलते हैं, उसकी आपको जुगाड़ करने के बाद ही आपसे मिलते हैं। तो देख सकते हैं न्यू जलपाईगुड़ी के स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और इस साइड देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको गाड़ी वाड़ी मिल जाएगा, यहाँ पे शेयरिंग गाड़ी भी मिलेगा, बुकिंग भी मिलेगा, दोनों ही यहीं से आपको मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये रूम है, बहुत बड़ा सा रूम नहीं है, छोटा सा रूम है, घुसते ही ख़त्म हो जाता है। तो यहीं पर रुके हुए हैं, यहाँ पे कम्बल दिया गया है, एक ही कम्बल है, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो में इतने रखते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।